एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर जातिका जानना चाहती है कि उसका पति कैसा होगा, पति की जो मकान वगैरह कैसा होगा, उसकी नौकरी कैसा होगा, उसकी आयु कितनी होगी, ये सब जानने के लिए जातिका अपनी ही कुंडली से इसकी संभावनाओं को पूरा कर सकती है और जान सकती है कि उसका पति के जो बारे में हमने अभी बात की वो कैसा हो सकता है। उसकी समुचित जानकारी के लिए जैसे ये लग्न है आपका, जो भी लग्न हो आपका, सप्तम भाव जो रहता है वो जो रहता है आपके पति का रहता है, तो पति के घर से ये मान के चलो तो उसका ये दूसरा भाव उसका धन भाव हो गया, ये उसके छोटे भाई बहनों का हो गया, ये पति का सुख का भाव हो गया, मकान का भाव हो गया। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो मान लो यहाँ पे पति का भाग्य हो गया तो ये यहाँ से 9 गिनेंगे तो ये पति का भाग्य भाव हो जाता है, और ये यहाँ से 10वां होने पे ये पति का नौकरी का भाव हो गया, और नौकरी और ये यहाँ से 11वां भाव पति का लाभ का भाव होगा, आय का भाव हो गया। तो इस तरह से आप हर एक भाव के अनुसार जैसा हमने बताया कि आप देख सकते हैं कि ऐसा अगर दिख रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि आपका पति का इन भावों में ग्रहों के अनुसार उसका वर्णन हम संभावनाएं लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो पति के मकान के बारे में आपको जानकारी चाहते हो, तो पति के मकान के लिए हमने बताया कि आपके सप्तम भाव से जो चौथा भाव है वो पति के मकान का भाव हो जाएगा, तो वहाँ पे बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से हमने क्या बता रहे हैं कि आपके जो भी जातक या जातिका हो अपने जो सप्तम भाव से चौथा भाव है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा भाव ये आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे ग्रह यहाँ बृहस्पति है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, तो अगर ऐसे शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठे होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो पति का मकान है वो अच्छा होगा, या शुक्र कारण उसके अंदर भव्यता होगी, भौतिक सुख ज्यादा होंगे, और ऐसे भी शुक्र होने से वो जो मकान होगा वो बहुमंजिला होगा, सीमेंटेड होगा। इस तरह से आप न मकान के बारे में जान सकते हैं कि शुभ ग्रह जैसे अगर आपकी जो कुंडली है उसमें यहाँ से जो आपका जो पति का भाव से चौथा भाव है या आपके लग्न से जो 10वां भाव है वहाँ पे अगर ऐसे ग्रह दिख रहे हैं तो आप संभावना ये कर सकते हैं कि जो मंगल मकान होगा वो आपका बहुमंजिला होगा, सुंदर होगा, भव्य होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। परंतु ये अगर मान लो यहाँ पे शनि हो, मंगल हो या राहु केतु हो, तो राहु केतु शनि होने से आपको ये बोल सकते हैं आपकी कुंडली में अगर यहाँ 10वां भाव में या पति के भाव से चौथे भाव में यहाँ पे अगर शनि राहु केतु हो तो आप उसका जो मकान होगा वो बहुत पुराने टाइप का हो सका, ऐसी संभावना है, हो सकती है। तो इस तरह से जो शनि राहु केतु मंगल ऐसे जो ग्रह हैं उनके कारण ये पुराना टूटा फूटा मकान होने के योग बना देता है। तो इसी तरह से नौकरी भी का भी बोल सकते हैं कि अगर जो आपके जो जाति का है आपके चौथा भाव और पति का वो 10वां भाव नौकरी का हो गया, आपके लग्न से चौथा या यहाँ सप्तम भाव से 10वां भाव वो पति का नौकरी का है, तो यहाँ पे जैसे शुभ ग्रहों के होंगे तो वो नॉन टेक्निकल लाइन का होगा, या यहाँ पे शनि मंगल राहु के तो ऐसे टेक्निकल पेरेंट होगा तो वो टेक्निकल जॉब में होगा, ऐसा हम बताने की संभावना है बता सकते हैं। तो इस तरह से पति की जो नौकरी के बारे में जो है ऐसी स्थिति है तो अच्छे योग है। तो मान लो यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, तो जो जातिका है उसकी नौकरी अच्छी उत्तम तरीके की नौकरी होगी, ऐसा हम बता सकते हैं। पति का जो आयु का भाव है आपके लग्न से 8वां जो है
आपके लग्न से दूसरा भाव और पति के घर से मतलब सप्तम भाव से अष्टम है और पति की आयु का है, तो यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से उनकी आयु अच्छी रहती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को हम बता सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी जाति का है वो आप जान सकते हैं कि आप यहाँ से छोटे भाई बहनों के स्वभाव के बारे में जानकारी मिलेंगे अगर शुभ ग्रह है। ऐसे ही यहाँ से 11वां भाव यह होते बड़े भाई बहनों का जो है पति के उनके स्वभाव वगैरह के बारे में जानकारी होगा। ऐसे ही हम सप्तम भाव पे अगर प्रभाव देखें तो वो ये सप्तम भाव है, तो ये पति का यहाँ से आप पति के स्वभाव आयु के बारे में जान सकते हैं कि सप्तम भाव जो है यहाँ पे अगर चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, शुक्र, ये जो ग्रह है इनमें से कोई से भी ग्रह अगर यहाँ पे होंगे तो आप जो पति होगा आपका दो दो 4 साल के अंतर का होगा, गोर वर्ण का होगा, सुंदर होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव में। और अगर यहाँ पे सूर्य मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव होगा तो बड़ी आयु का होगा, यह आने उम्र आपसे 5 साल के करीब बड़ी भी हो सकती है, ऐसा बड़ी आयु का हम बोल सकते हैं ऐसे ग्रहों के प्रभाव के कारण। ऐसा सूर्य का ही मान लो प्रभाव है तो जो जातक का चेहरा जो है वो आकर्षण चेहरा वाला होगा, गौरांश होगा, मंगल का होगा तो लाल चेहरे वाला हो सकता है, शनि अगर जैसा यहाँ पे बैठा है 7 नंबर के, इसमें शनि मान लो उच्च का होकर बैठा हो तो थोड़ा और ज्यादा आयु का होगा और पतले शरीर का होगा और गोरापन कम होगा उसमें। इस तरह से आने अधिक आयु का पति मिलने का योग बना देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सूर्य से आपने देखा कि वो बिल्कुल आकर्षण, गोरा, सुंदर, अच्छा राजकर्मचारी भी हो सकता है। ऐसे चंद्रमा है तो चंद्रमा जैसे चंचल, चित्त वाला, शांत स्वभाव का भी हो सकता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, और मध्यम कद हो सकता है, सुडगुल शरीर होता है। मंगल अगर यहाँ पे है तो मंगल जैसे ही है कि साहस पराक्रम से भरपूर बलवान होगा, थोड़ा क्रोधी भी होगा, ऐसा जो है इसी तरह से आप देख सकते हैं। और वो पुलिस सेना वगैरह में भी जॉब कर सकता है, और ऐसा पति भी हो सकता है, सरकारी सेवा में भी हो सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि जो यहाँ पे ग्रह यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं सप्तम भाव में आपकी कुंडली में, उस तरह से आप इस तरह का आप प्रोडक्शन है मतलब संभावनाओं को बता सकते हैं कि इस तरह से हमारा पति का मकान हो सकता है, नौकरी हो सकता है, उसकी आयु हो सकती है, और पति खुद कैसा होगा उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है। जो भी जातक और जाति का है आप भी अपनी कुंडलियों में इस तरह से देख के उनके आप भी अपना होने वाले पति के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं मामूली दक्षिणा देके। आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब की, लाइक किया, वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।